हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर एन ऑनेस्ट रिव्यू वंस अगेन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे हम रिव्यू करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि या तो किसी फेमस ब्रांड की न्यू लॉन्चेस हैं या फिर जिनके ऐड्स आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट जो कि मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव है एंड यू शुड नो अबाउट देम। तो आज जिस प्रोडक्ट को मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये बायो ऑर्गेनिक काओलिन क्ले पाउडर। तो ये बायो ऑर्गेनिक काओलिन क्ले पाउडर क्या है मैं आपको बता दूं, अगर आपने चीनी मिट्टी सुना है, आई एम श्योर ज़रूर सुना होगा, चीनी मिट्टी के काफ़ी बर्तन आते हैं, तो ये चीनी मिट्टी ही है। बट उस वाली चीनी मिट्टी में जिससे बर्तन बनते हैं वो आपको नहीं लेना, उसमें केमिकल्स मिक्सड होते हैं। ये विदाउट केमिकल है, आपको यही यूज़ करना है जो कि मेडिकल ग्रेड वाला है, जो कि फेस के लिए सेफ़ है, स्किन पे अप्लाई करने के लिए सेफ़ है। तो इस वाले काओलिन क्ले को मेरे को ऑलमोस्ट 6 months हो गए हैं यूज़ करते हुए, और ये मेरा आई थिंक 3rd या 4th पैकेट है। और अभी इसका जो कंटेंट है वो सारा कुछ मैंने इसमें निकाला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इस टाइप से पैकेट आता है जिसमें से इसको यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो प्राइसेस में प्रिंटेड है वो है 499, बट ये मेरे को 225 में हमेशा मिल जाता है नायका पे। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है चाइना क्ले, 100% चाइना क्ले जो है इसका इंग्रेडिएंट है, जिसको हम काओलिन क्ले भी कहते हैं। और ये 3 times सिफ्टेड है, यानी कि 3 बार छाना गया है, सो दैट यू कैन गेट अ वेरी फाइन पाउडर। इसमें 2-3 DIY रेसिपीज़ भी आती हैं, तो आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो, बट आई डोंट लाइक टू यूज़ सो मेनी प्रोडक्ट्स ऑन माई स्किन। काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो ऐड करके बनाई हुई हैं रेसिपीज़, आई लाइक टू कीप इट सिंपल। सो इट्स बिन 4 years सिंस आई एम लिविंग इन गोवा, और यहाँ पर जो है टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। आई एम श्योर अगर आप भी कभी गोवा घूमने आए हैं तो आपको भी बहुत टैनिंग हुई होगी। उसका एक रीज़न ये भी है कि एक तो हम लोग बाहर घूमते हैं, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर सन रेज काफ़ी तेज़ आपको हिट करती हैं और आपको जो स्किन टैन है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मेरी स्किन काफ़ी टैन रहने लगी थी और मेरे जो बाल हैं वो भी काफ़ी ख़राब हो गए थे। बालों के लिए तो मैंने अलग से काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, अगर आपको भी कुछ ऐसे इशूज़ हैं तो वो वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। और स्किन टैन के लिए जो सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन मुझे मिला वो था यही काओलिन क्ले, ठीक है। और मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की अपने स्किन टैन के लिए, मैंने सलॉन्स में भी ट्रीटमेंट लिए हैं स्किन टैन के लिए, लेकिन किसी भी चीज़ ने ऐसा वर्क नहीं किया जैसा इसने किया। एंड ये इतना पॉकेट फ्रेंडली है और इतना सस्ता पड़ता है आपको। आप इस एक पैकेट को आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 1.5 महीना आराम से यूज़ कर लेती हूँ, इतना इसमें है। तो अगर आपकी स्किन भी बहुत ईजिली टैन हो आती है तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखो। यहाँ पर मैंने वाटर स्पोर्ट्स किए थे एक बार शॉर्ट्स में, और उसके बाद मेरी जो लेग्स हैं वो इतनी ज़्यादा टैन हो गई कि 15-20 डेज में उन पर इतनी सारी चीज़ें अप्लाई करती रही लेकिन सन टैन बिल्कुल नहीं गया। लेकिन मैंने इसको एज अ स्क्रब यूज़ किया अपनी बॉडी पे नहाते टाइम, तो मेरा सन टैन, आई एम टेलिंग यू, माई सन टैन बिकम्स लाइटर इन जस्ट 3 days। 3 दिनों में ही इतना डिफरेंस आ गया, और उसके बाद तो मैंने परमानेंटली इसको अपने रूटीन में इंक्लूड कर लिया है। और अब मैं इसको 1 or 2 times a week तो फुल बॉडी के लिए ज़रूर यूज़ करती हूँ, और हर alternate day में यूज़ करती हूँ फेस के लिए। और इससे आपके जो अगर एक्नेज आपको होते हैं तो उसमें भी हेल्प मिलेगी, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैं रेडी होकर कार में बैठ के कहीं जा रही हूँ तो मेरी स्किन इतने में ही ऑयली हो जाती थी, ऑयल आ जाता था नोज पे और जो है वो डार्क लगने लग जाती थी, लेकिन इससे मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल हो गई है काफी हद तक। और अभी ये मेरा खत्म होने वाला है, तो इस बार मैंने एक न्यू ब्रांड ऑर्डर किया है जो कि है शी एसेंशियल्स काओलिन क्ले पाउडर। इसको अब तक मैंने ओपन नहीं किया, नहीं ट्राई किया है। जब भी मैं इसको ओपन करूंगी और ट्राई करूंगी तो मैं एक दोनों का कंपेरिजन वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल आज मैं आपको इसी का डेमो दिखाने वाली हूँ। तो बॉडी के लिए मैं सबसे पहले बॉडी को वेट कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पाउडर ऐसे हाथ में लेकर और ऐसे मसाज करके और 5 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, बाकी बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई करती हूँ और यहाँ का ड्राई हो जाता है। तो ऐसे एक बार पूरी बॉडी पे अप्लाई करने के बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो और फेस के लिए मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूँ चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है एक प्लास्टिक बोल या ग्लास बोल, जिसमें मैंने 2 teaspoon के अराउंड क्यूकम्बर जूस ले लिया है। इसको मैंने ग्रेट करके स्क्वीज करके निकाला है, और साथ ही मैंने इसमें 1.5 चम्मच काओलिन क्ले पाउडर डाला है अप्रॉक्स। और इसके बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा ये रिपेल करता है वाटर को, तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसमें 2 से 5 मिनट आपको लग सकते हैं। मिक्स करने के बाद कुछ इस टाइप का पेस्ट आपको बना लेना है, जिसको आपको फेस पे अप्लाई करके ओनली 10 मिनट्स रखना है, या फिर तब तक रखना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। और अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, हर ऑल्टरनेट डे यूज़ कर रहे हो, तो आपको इतना ड्राई करने की नीड नहीं है, थोड़ा सा वेट होगा तभी आप वॉश भी कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और 10 मिनट बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, अच्छे से ड्राई हो गया। अब हम इसे वॉश करेंगे नॉर्मल वाटर से,
और वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना इज मस्ट, क्योंकि थोड़ी सी स्किन ड्राई हो जाती है। एंड नाउ जस्ट गेट रेडी टू सी द मैजिक। इतनी क्लीन एंड क्लियर स्किन मेरी लग रही है विदाउट एनी टैन, और इसने मुझे पिंपल्स में भी काफ़ी हेल्प करी है, और मेरी स्किन भी पहले ऑयली थी तो अब नॉर्मल हो गई है और काफ़ी क्लीन लगने लगी है पहले से। तो आई होप आप भी इसको यूज़ करोगे और आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसको यूज़ करने के बाद आपके ऊपर रिजल्ट्स कैसे रहे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।